अपनी बच्चा आखिरी एक्सरसाइज बची हुई थी इसकी, और कहते हैं डिफरेंशिएशन की, तो अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप लोगों को इसमें ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, जैसे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। तो कुछ नहीं, पहले एक डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, फिर उसको वापस से जो भी आंसर आए उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो सेकंड आ जाता है, एक और बार करोगे थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो प्रेजेंटेशन है वो समझ लो आप लोग, जैसे डिफरेंस बिटवीन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा सेकेंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव। और इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है वाई टू। फाइन, ये कोई किसी को लिखना विखना है वैसे तो दूसरी चीज़ें, बच्चा आप कॉपियों में जब देखो, बुक में देखोगे तो कुछ खुद समझ में आ जाएगी, बट इन दोनों के डिफरेंस का मतलब समझ लो एक बार के लिए। ये अगर थ्री होता है यहाँ पे और ये ऐसा रहता, इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब है, इसको वाई थ्री, इसको वाई थ्री जैसा लिखा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा है, बट चलिए एक बार वॉर्म के जैसा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो ये मान लो कुछ भी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव जैसे ही मैंने इसका निकालना शुरू किया तो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, तो dy वाई बाई डी एक्स या वाई वन आपको जो भी लिखना है उसके लिए, एक्स क्यूब इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फाइन, आप चाहो एक्स कॉमन वॉमन निकालना निकाल लो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ यार। अब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने क्या करना शुरू किया, कुछ नहीं, इसका एक ओवर डेरिवेटिव निकाल दिया, तो इसका तो टू एक्स हो गया। इसका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव के लिए, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स, तो बेसिकली फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स। एक्स एक्स कॉमन निकल के ऐसा आंसर कोट करना कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना स्ट्रेस देता नहीं है। हाँ वहाँ पे वापस से प्रोडक्ट रूल इसमें ही लग रहा था बेटा सिर्फ, हाँ ये तो मैंने सिंपल डेरिवेटिव निकाल दिया, इसको मैंने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ गया, समझाइए चीज़ क्या हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर टू से बेटर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आपको वाई की वैल्यू उसने कुछ दी हुई है अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस टू। आप मुझे आयुषी प्रूफ क्या करना है बच्चा बता, y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। देखो कुछ भी हो जाए पहला डेरिवेटिव तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो मेरा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वन बाई टू रूट एक्स आ गई, इंटू ये चेन रूल का थ्री एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव निकाला तो ये हो गया, तो बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। बेटा देखो क्या ये वाई लिखा हुआ है मेरा, हाँ तो ये ऐसा हो रहा है मेरा बेटा, ये मेरे वाई की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस टू थी, यहाँ पे रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस टू मुझे दिख रहा था तो मैंने डाल दिया वहाँ पे, हाँ क्योंकि ये नीचे था ना बच्चा, इसकी वैल्यू बच्चा वाई थी तेरी, तो उसकी जगह पे मैंने वाई लिखा है अगर, तो उससे मैं ऐसा गया। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों किया था ना, क्योंकि मुझे दिख रहा था मुझे एक्स्ट्रा टर्म्स में चाहिए नहीं है, और प्लस अगर नहीं भी तो भी मैंने को समझ में आ रहा है थोड़ा इजियर हो सकता है मेरे लिए। फाइन, तब देखो ये वाई को भी मैं यहाँ ले गया जान पूछ के, ठीक है, क्योंकि डिनोमेटर विनोमेटर करने की जगह पे, तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। अब एक और बार डेरिवेटिव निकाला मैंने, तो y इंटू इसका डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स का एक और डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव, वापस से डी वाई ओवर डी एक्स ही हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री बाई टू का डेरिवेटिव जीरो रहेगा बेटा मेरा। तो देखो y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, अगर कभी गलती से ये जम नहीं रहा है
तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना ये अरेंजमेंट वरेंजमेंट का, तुम्हारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया ना यहाँ पे, तो अपना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन बाय वाई का ना माइनस वन बाय वाई स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब एक एक करके चीज़ें डालना शुरू कर दो, यहाँ पे वाई तो मेरा वाई है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू वाई स्क्वायर हो रहा था, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स रहता था थ्री बाई टू वाई, ठीक है। तो थ्री बाय टू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा आंसर आते हुए, वाई इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स भी तो आएगा ना, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी, ठीक है ना। उससे अगर खोलोगे तो भी तुम्हारे आंसर आएंगे, बट वो चीज़ के ऊपर मत बढ़ो, फेयर इनफ। चलो अब अपन लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ये देखो दिस इज प्रीटी मच सिंपलर। तुमको y की वैल्यू दी गई है, तुमको कुछ मांगा है, तुमने पहले क्या किया dy वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो आ रही है थ्री इंटू ई की पावर टू एक्स इंटू टू यानी सिक्स ई की पावर टू एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री मतलब सिक्स ई की पावर थ्री एक्स, ये dy वाई ओवर डी एक्स आ गया। उससे कुछ y में कन्वर्ट तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, देखो कुछ सिक्स कॉमन निकाल दूंगा अगर मैं तो e की पावर टू एक्स प्लस e की पावर थ्री एक्स हो रहा है, बट उससे कुछ y वगैरह तो आ नहीं रहा ना मेरा, तो छोड़ो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया इसका, वो कितना हो गया 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, कोई इशू है इसमें किसी को? अब कुछ नहीं, यहाँ पे मैं LHS में चीज़ें डाल रहा हूँ मेरी, खत्म, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा LHS किसके बराबर है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मतलब 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 वाई, वाई क्या था मेरा e की पावर नहीं 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, खोला कर बेटा मैंने उसको तो 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x, 12 और 18 मिला के 30 हुआ और ये 30 कट गया, 18 और 12 मिला के 30 हुआ और ये 30 कट गया, LHS RHS इक्वल आ गए मेरे, खत्म। ये एग्जांपल नंबर 3 था। अब एग्जांपल नंबर 4, बेटर क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे शायद से होगा क्या, रुक जाओ चलो देखते हैं। y की वैल्यू तुमको दी हुई है, कुछ तो भी ये शो करना है, पहला डेरिवेटिव तो निकालना ज़रूरी है ना मुझे, तो देखो मैंने पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, तो वो हो जाएगा मेरा पी ए ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ई की पावर बी एक्स, ठीक है। इसको कुछ एडजस्टमेंट करके मेरा कुछ आ रहा है क्या वापस से वो वाई के बराबर ही, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है ना, छोड़ो मत लगाओ दिमाग, डी वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, पी ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स आ रहा है मेरा भी, ठीक है। अभी भी कुछ कर पा रहा हूँ क्या मैं इससे, मेरे को तो नहीं दिख रहा, होता भी होगा तो कुछ नहीं। अब मैं LHS में डाल दूंगा मेरा, फिर से मेरा LHS में डालूंगा, तो ये पी ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स माइनस ए प्लस बी टाइम्स वही वाला पी ए ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ई की पावर बी एक्स और प्लस ए बी वाई की जगह पर फिर से डालना पड़ेगा मुझे वो पी ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू ई की पावर बी एक्स, खोलूंगा तो जैसा पिछले इसमें कटा था वैसा कट जाएगा, समझाई जी क्या हुआ है। ये वाला देखिए बच्चा लोग, तुमको कुछ भी वाई दिया गया कुछ करना है, अगेन एडजस्टमेंट इधर उधर करके कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, बट मैं इस चीज़ को मेरे खुद के लिए थोड़ा सिंपलर बना सकता हूँ। देखो लॉग वन ओवर एक्स को मैं लॉग एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ, जिसको बाद में माइनस लॉग एक्स भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैंने वही चीज़ किया बच्चा लो, तो पहले तो मैंने मेरे फंक्शन को थोड़ा आसान दिखने का बना दिया है, एक्स क्यूब लॉग एक्स की पावर माइनस वन मतलब माइनस एक्स क्यूब लॉग एक्स बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, माइनस तो बाहर है मेरा, प्रोडक्ट रूल लगा मेरा एक्स क्यूब लॉग एक्स के लिए, तो एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस
3x square log x, जो कि क्या बन रहा मेरा dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, जो कि कितना बन रहा है मेरा, अगर मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना तो ठीक है, नहीं तो छोड़ जान दो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ यार, ठीक है ना। अब देखो अब आगे क्या है मेरा, मेरे को कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट करके वापस से वाई आ नहीं रहा है, तो मैंने उस पर सरमारी करना बंद कर दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला इसका, माइनस पूरा भार है ही मेरा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो रहा है, प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स हो रहा है, जो कि माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स के बराबर हो रहा था। अब कुछ नहीं, ये वैल्यूज डालूंगा, आंसर निकालूंगा, कोई इशू इसमें किसी को? वाई, ये सिक्स वाला क्वेश्चन बेटर क्वेश्चंस में से, ठीक है ना, एक बार आयुषी मुझे डिक्टेट करेगी प्लीज। इसका डेरिवेटिव निकालने में मजा आएगी तुम लोगों को, एक्चुअली का होल स्क्वायर, ये इस चीज का डेरिवेटिव निकालने में मजा आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स, हाँ, इक्वल टू टू। अब देखो गाइस, पहले तो चेन रूल, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कुछ मान लिया एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जगह टू एक्स की पावर वन, अब जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये, डायरेक्टली कर लूँ एक ही स्टेप में मैं, या लिखूँ, कोई चाहता है लिख के दिखा दो, पूरा लिख के दिखा दो, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव जिसको मैंने x माना था वो लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तब देख, ये तो मेरा वैसे का वैसे ही नीचे आ रहा है, इसका डेरिवेटिव, अब फिर से इसको मुझे कुछ मानना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स, ठीक है, इनटू जिसको माना था उसका डेरिवेटिव, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें तो मेरी आ चुकी है, फिक्स हो चुकी है, इसका डेरिवेटिव वन प्लस एक्स का तो ये था, इसका क्या हो जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है ना, इसको एक्स मान के कर रहा हूँ मैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे टू एक्स, चलेगा ये चीज़, समझाए, ये हुआ टू और टू कट रहा था। अब देखो मैंने एलसीएम लेना शुरू किया, यहाँ पे जब एलसीएम लिया बेटा मैंने, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा था। अब देखो मेरा ये और ये कट गया, लकीली गंदगी थोड़ी कम हुई मेरी, अभी देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू, अभी देखे वाई होने का ही बच्चा हो, ठीक है, देखते वाई वाले पे लाना पड़ेगा अपने को एक्चुअल में, लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा ये दिस वाज स्क्वायर, तो अभी तक वाई नहीं, रूट वाई लिखना लिख सकते हो, अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करने ही वाले हैं, तो उससे भी अपना आ जाएगा, रूट वाई भी आप लिख सकते हो, यस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर जैसे कि केवल हमारे देख लिया, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा मैं, तो मेरा राइट साइड में वाई आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये देखो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर किया तो मैं पहुंच जाऊँगा डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर जो कि ये है, वो वाई के बराबर हो गया मेरा। अब देखो मेरे को डी टू वाई भी निकालना है क्या, हाँ वो भी निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले यहाँ भेज दिया, फाइन,
तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, अब एक और बार मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा 2dy ओवर डी एक्स की पावर 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा मेरा क्या एक समझ गया नहीं एक समझ गया नहीं इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स करो जाएगा ना भाई लोगों, इसका एक और बार डेरिवेटिव हाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4dy ओवर dx। कोई इशू है इसमें? पूरे इक्वेशन में से dy ओवर dx मेरा कॉमन निकल रहा है और कट रहा है, तो एक ये dy ओवर dx कटा, एक ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। ठीक है, तो आई एम लेफ्ट विथ वॉट, यहाँ से 2 कॉमन निकल के भी मेरा कट रहा था तो ये 2 बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2, यही निकालना था क्या मुझे? बच्चा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, तो ये वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा था तब मुझे चेन रूल लगाना पड़ा। ये बहुत हार्ड होता बेटा इसका, इसका पहले मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, ये इसको और इसका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, जब प्रोडक्ट रूल लगा तो इसका डेरिवेटिव तो अब ऊपर ही रह चुका, कितना रूल आ रहा था मेरे को, समझा? नॉट डैट आंसर नहीं आता, बट आता था, बट यस मेरे हिसाब से रूल आता बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक ठीक है गाइस, दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर, सॉरी दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 6। 7th वाला देखिए, कंपेरेटिवली सिंपलर वन, आयुष मुझे एक बार डिक्टेट करोगे? ठीक है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, कुछ तो भी है, ठीक है, पहला डेरिवेटिव तो निकालना ही है। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू चेन रूल वही अपना, एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन प्लस वन बाय टू रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव फिर से, तो इंटू टू एक्स। ठीक है, तो कहिए एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर टू टू कटा एलसीएम लिया बेटा मैंने, तो अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या तुम्हारा ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ये ब्रैकेट ये वाला और ये ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो तुम लोग वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन वाला, तो तुम्हारा ये इतना मिला के तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा अभी के लिए? देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसा ही है, ये एन वैसा ही है, ये इतना मिला के तुम्हारा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन हो जाएगा, जो कि वाई के बराबर है अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से ये अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ पर भेजूँगा मैं। एन वाई, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं अगर, तो वही प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का एक और बार डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, वन बाई टू रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एन इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम लेफ्ट विथ वॉट, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, चलो एक बार में लेता हूँ, पहले एक बार लिख देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई नहीं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये उसका एन टाइम्स वाई कैसा है?
चलो रुक जाओ देखते हैं। अभी अपन ने पहले एलसीएम लिया, ठीक है, तो 1 + x² हो गया वो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 1 + x² इसमें डी वाई ओवर डी एक्स भी है, इसी टू एन टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स। मेरा वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² अच्छा ठीक है, ये एक्स है या एन है, ये एक्स है, वहाँ पे एन चल रहा है ना मैं राइट साइड में, तो n² y, इसमें अपने कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट इसका एक बार डेरिवेटिव देख लो, फर्स्ट बार डेरिवेटिव सही निकाले क्या अपन लोगों ने, तब से हमको जस्ट थोड़ा सा हाइपर क्लास में हो रहा है, एक बार देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव सही निकाला है ना मेरे हिसाब से, तो यस फर्स्ट डेरिवेटिव सही दिख रहा है मुझे, हाँ यार फर्स्ट डेरिवेटिव सही है। रेड में जो किया वो सही किया, देखो वो भी सही दिख रहा है यार, रेड के नीचे ब्लू कलर देख लो एक बार, सही है पूरे ही नहीं हो तो मुझे प्रूफ करना है। अच्छा आ रहा है, रुको अभी देखो, 1 + x² डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 + x² ही आ रहा, ठीक है, मेरे को चाहिए क्या था एक बार, वो नीचे लेके आ रहा हूँ, मेरा टू प्रूफ ये था, चलो ठीक है ना। अब देखो मेरा एल एच एस तो पहुंच गया है, फाइन, आर एच एस में n² y चाहिए मुझे। अब देखो ये मेरे को डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक बार डाल के देखता हूँ मैं, देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ से उठा सकता हूँ मैं वैल्यू, रादर मैं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x² की वैल्यू एन वाई के बराबर है, ये यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 वगैरह मार्क करना पड़ेगा, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर कर दूंगा मैं तो दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन वाई, तो आंसर n² y आ रहा है। मुझे कैसे समझा ये चीज़ यार, मैं पहले तो गलती ढूंढ रहा था, मुझे लगा कुछ गलती हुई है, नहीं हुई थी गलती, तो मैंने कंपेयर करना शुरू किया, मेरा एल एच एस आ गया, आर एच एस नहीं आ रहा है, तो जो चाहिए था वो प्रिजर्व कर लिया, बची हुई चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू कर रहा था मैं, तो इसकी वैल्यू मुझे लकीली यहाँ पर मिल गई, ठीक है समझा, ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, दिस इज एग्जाम्पल नंबर व्हाट 7। और इसे डिक्टेट होना चला, वन बाय फोर नीचे ही वाई है डिनोमेटर में, वन बाय वाई बाय फोर, पहले तो पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ बेटा, उसमें मुझे और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, जो कुछ आइडिया तो है नहीं वैसे से, देखो ये माइनस वाई के बराबर हो जाएगा, अगर ये वाई है तो ये तुम्हारा माइनस वाई के बराबर हो रहा है, ठीक है,
अब ये वहां पे भेज देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन बाय टू वाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी पहले ही। एक बार के लिए ऐसा रख रहा हूँ मैं, मुझे आइडिया नहीं इस आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन फोर था, तो इसको फोर को यहाँ पर ला लिया उन्होंने। कोई इशू इसमें किसी को? अब मैं सेकंड डेरिवेटिव एक बार निकाल रहा हूँ, नो आइडिया अपन पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे ऐसे इसमें स्क्वायरिंग करके। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का एक और डेरिवेटिव है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव इज टू टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। कोई इशू इसमें? पूरे में से डी वाई ओवर डी एक्स एक कॉमन निकल कट रहा था, ठीक है, ये वन था ये टू था, ये भी हो रहा है मैं अभी तक क्या तम लेफ्ट इज वॉट टू इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स टू वाई, वो भी टू कॉमन एल के बाहर हो रहा है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये फोर का मैंने यहाँ भेज दिया, आई थिंक यही पूछा था उसने मुझे, समझाया क्या हुआ है? स्क्वेयरिंग नहीं भी करता तो भी आता था, बट वो अंडर रूट्स में दिखता था इसलिए मैंने कर दिया था स्क्वेयरिंग तब, ठीक है। दैट वॉज ए एग्जाम्पल नंबर एट। चलिए नाइन्थ वाले पे आ जाता है, ये कंपेरेटिवली सिंपलर है। यार यहीं पर दिखा देता हूँ मैं, कर करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो बस ये इससे ही दिखा देता हूँ। ये y दिया हुआ है, y टू का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तुमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना तो ये आएगा तुम्हारा कुछ, ठीक है। अब देख लो क्या इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है क्या मेरा, तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी ऐसा। एक और बार डेरिवेटिव निकालोगे ये कुछ आएगा, ठीक है, वो आया तुम सबको डाल देना, एक काम करो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो एडजस्टमेंट करने की जगह पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कंपेरेटिवली सिंपल जैसा ही है, बट एक बार कर लेते हैं शायद से सिंपल, सॉरी एक सेकंड, ई की पावर वाई आयुषी पढ़ेगी आगे क्वेश्चन बचा, एक्स प्लस वन ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, देखो यहाँ पे मैं लॉग लूंगा ना तो मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा लॉग, अगर दोनों साइड पे लिया मैंने तो लॉग e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन तो मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों को अपना अपना लॉग मिलेगा तो y प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखो dy वाई ओवर डी एक्स निकाला मैंने, मेरा dy वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो रही है माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। इसी का मैंने एक और डेरिवेटिव निकाल दिया, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तुम एल एच एस में डालोगे वो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विच इज़ वन ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर विच इज़ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर। सिंपल क्वेश्चन था यार, बस मुझे लॉग लेना है, दिखना चाहिए आप लोगों को। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 10th, 11th पे आ जाइए बेटा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाला क्वेश्चन। मुझे क्या प्रूफ करना है आयुषी? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पहले देखो समझ में तो आने वाला, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स के लिए। पहले लॉग लिया मैंने x लॉग x
तो 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाय एक्स हो जाता है 1 प्लस लॉग एक्स। ये ठीक है तुम लोगों के लिए? वाई को उधर भेज देते। चलो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्यों रहने देता हूँ ना स्विच, वाई के स्विच लगेगा तो बाद में डाल देंगे आखिरी में, ठीक है? चलो अब देखो, अब मैंने क्या किया बच्चा लोग, इसमें ये किया वापस सेकंड डेरिवेटिव निकाला, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो रहा है मेरा, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे देखो लॉग एक्स वॉग एक्स जैसी चीज़ें तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट? मैं वो देखो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे अपने को अगर दिख रहा है तो अपन ये डाल देंगे अब, ठीक है? तो देखो अभी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे डाला मैंने 1 प्लस 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो गया है। आई थिंक मुझे यही तो चाहिए था। हाँ आ गया, ये दोनों का मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, समझाई थी? तो वही क्वेश्चन को देखते हुए खेलो आगे, क्या करो तुम लोग? दैट वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है? 12th बताना बच्चा, एक संख्या सही क्या? इफ ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर वाई बाय एक्स एक्स क्यूब, हाँ ये होल स्क्वायर देख के तो बहुत अजीब लग रहा है, बट लॉग लेना पड़ेगा ये मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? तो मैं लिया अगर तो लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस लॉग ई की पावर वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। यहाँ तक मैं वैसे पहुँचा हूँ मैं, मेरे को क्योंकि आगे लॉग अगर एलिमिनेट करना है, छोड़ो देखते आगे, मुझे आइडिया नहीं इसका। डेरिवेटिव लिया, हो जाएगा मेरे को ना टेम्प्ट हो रहा है, रुक जाओ। नहीं देखो देखो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ इसको मैं, ये यहाँ पर जाके माइनस में जाएगा फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद में ये ऐसा आ जाएगा। वो मेरे को तो वाई और उसमें ना वो करना था, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, नो आइडिया, बच्चों इससे भी आता होगा, होपफुली इससे भी आ जाए। अब मैंने वापस से निकाला, अब मैंने पहली बार निकाला, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक काम करो, नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी करके लिखता हूँ मैं, एक बार सिर्फ देख रहा हूँगा इसमें, ठीक है ना? वो क्योंकि मेरा अब इससे भी मेरा वो लॉग हट रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है? प्लस वो लॉग वाला पूरा पूरा टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो 1 हो जाएगा, करेक्ट? समझा क्या भाई लोग क्या बोला है मैंने? वो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसको मैं हटाना चाहता हूँ, उसको वाई ओवर एक्स लिख सकता हूँ मैं, हाँ ये देखो ये चीज़ तो मेरी वाई ओवर एक्स के बराबर थी ना, समझा क्या बोला मैंने? ये तो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को ना वो हटाना है बस, इसके लिए उस जगह पे वाई ओवर एक्स हो चुका है मेरा। इसके अंदर एलसीएम लिया गया मैंने, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। देखो ये ए एक्स कट गया, ये एक्स कट गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस वाई ओवर एक्स आ रहा है मेरा भी आंसर, ठीक है? सेकेंड डेरिवेटिव मुझे निकालनी है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू
माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस, ओ भाई साहब, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब मैंने एलसीएम वगैरह लेना शुरू करना है, ठीक है, तब देखो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई टाइम्स ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ है क्या ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर? प्लस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाइड है, सॉरी प्लस कहाँ से लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर से ए एक्स प्लस बी भी कुछ ऐसा निकल तो नहीं रहा है ना, ढूंढो रे ढूंढो, खोल के करने में तो भी कुछ मतलब आएगा नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब आ नहीं रहा है मेरा, देखो ई चाहिए नहीं है, चलो बढ़िया है वो तो। हाँ ओ भाई साहब, क्या कहाँ पे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है अपना, वाई अपॉन एक्स है मेरा तो, हाँ कैसे, तो ये देखना बच्चा वो ये x था मेरा, फिर वो x और ये x कटेगा ना मेरा, इसमें नहीं कटाना लेकिन वो x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर लिखा हुआ है, कहां पे x स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चा, वो x अकेला नहीं x स्क्वायर लिखा है, एक सेकंड जाके हमको डेरिवेटिव निकालने दो, क्या देख y का फंक्शन मैंने जो लिखा है log x माइनस log ax प्लस बी द होल इंटू एक्स, तो ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये प्लस ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, ठीक है, इसको मैंने लिखा है लॉग ऑफ इसको वाई अपॉन एक्स, एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, नहीं से पहले तो एलसीएम में निकाला मैंने, तू क्या बोलना चाहता है मुझे समझा नहीं बेटा, उनका आंसर क्या है dy ओवर dx का, bx अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y अपॉन x, उनका ये आ रहा है तेरा बोलना है, मतलब हां कैसा है उनका, मेरे साथ तो उनका गलत है, ये मेरे को मेरी गलती दिखी नहीं थी, उन केस में ना x स्क्वायर हो तो x x काट तो एक एक बचेगा, तो x स्क्वायर कहां से है, मैंने उन्होंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तू कहां पे आंसर देख रहा है बच्चा बता मुझे, तू यहां देख रहा है कहां देख रहा है बच्चा, तो उसने x कॉमन निकाल दिया है उसके बाद में भी, देख सकें क्या, देख सकें क्या, मैं एक बार इनका देखने दो अपन ने क्या गलत किया है, क्या बेटा देख इनका एक एक्स उन्होंने कहाँ से खाया मुझे पता नहीं है, ये देख बच्चा भी ये और ये कटा उनका, ये और ये कटा, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई शुड हैव बीन एक्स इंटू बी ओवर, हाँ ए एक्स प्लस बी उनका सही है, अपना क्या गलत है फिर, अपना एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आया, अच्छा एक समझो कि अपना कुछ एक्स स्क्वायर नहीं आया अपने क्या, हाँ समझा मैं, एक समझ, हाँ एक समझा y की वैल्यू पहले देख लो, log x माइनस log ए एक्स प्लस बी द होल इंटू एक्स, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस,
प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, तो ये प्लस ये जो भी था मेरा बना वाई ओवर एक्स, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स ओवर एक्स इंटू, उनका तो क्या है, नहीं देख उन लोगों का, नहीं नहीं सुन 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 ये समझो क्या, एक बार क्लियर कर मैं ये हटा भी दूँ उनका, मेरे को जो तू आंसर लाना चाहता है वो मुझे बता दे बस तू एक बार के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अपना भी वही आया है, उसने यहाँ पे ये उनका क्या आंसर आया मुझे बता एक बार। हाँ नहीं नहीं एंड वाला नहीं जो तू बोल रहा है क्या क्या, ए ए रुक 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 बोल क्या बच्चा। हाँ हाँ तो देख उन्होंने यहाँ पे एलसीएम लिया बेसिकली बेटा, उन्होंने यहाँ पे एलसीएम लिया, अपना कोई गलती नहीं है मैथमेटिकली, उन्होंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, बट बिना एलसीएम लिए क्यों नहीं आएगा ऐसा। क्या है उनका आंसर तू बता मुझे एक बार। मैंने वाई बाई एक्स का डिफरेंस अभी तो बेटा मैंने किया ही नहीं है, वो बोल रहा है यहीं पे कुछ गलती हुई अपनी। तो वो x square इसलिए आया क्योंकि y by x का डिफरेंशिएशन हुआ। नहीं ना बच्चा देख यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे मेरी जो ब्लैक लाइन मार्क्ड है ये देखना, एक समझा नहीं नहीं वो यही बता रहा है बच्चा, देख वो उसके ऊपर वाले के इसमें x square आ रहा है उसका ये बोलना है। हाँ तो अपना नहीं आ रहा है ना एक्स स्क्वायर भी, वो अच्छा उन लोगों ने y बाई एक्स रख के किया हुआ है, अपन ने वो x को यहाँ पे लाया हुआ है। देख आयुषी ये देख अपना जो ये था ना उसका ये y बाई एक्स उसने से छोड़ा था, अपन ने वो x को यहाँ पे लाया हुआ है, मेरे को सिर्फ अभी उसको ये चीज़ के बराबर प्रूफ करके दिखाना है कि अपना भी सही है x dy ओवर dx। आइए देख ओए 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 तू एक बार ये देख इसका नाम क्या है सुधीर, मैं तेरे को वहीं पे पहुँच के दिखा रहा हूँ वापस से जहाँ से अपन जहाँ पे वो आया हुआ है ठीक है। तो एक बार ये देख मैंने एलसीएम लिया है अभी के लिए, मैं सब कुछ अभी के लिए बस एक्स को वहाँ पे वो कर रहा हूँ ट्रांसपोज, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस वाई ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी, तो ये और ये कट जाएगा मेरा, फिर वाई को इधर ट्रांसपोज करूँगा मैं, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस y इक्वल्स टू बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। तो बेसिकली जो मैंने ये यहाँ तक के जो लाया है बेटा उसमें कोई गलती नहीं है, उसका फॉर्म अलग दिख रहा है, आई एम मोर कंसर्न अब इसके आगे से मैं वो उसमें पहुँचूँ कैसे, अगर मैं ऐसे ही बढ़ूँगा आगे तो मैं वो कर रहा हूँ अभी ठीक है। तो बेसिकली जितना अपने लाल पार्ट में किया है गाइस वो कोई गलती नहीं है, उसका दिखने का पैटर्न अपना दिखने का फॉर्म अलग अलग है करेक्ट। हाँ अब एक बार इसको देख लो मेरे साथ, तो ये भी माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इंटू ये अपॉन ये ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है यूशी, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर ना। देखो पहले तो ये एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता है उसको एक्स क्यूब चाहिए था, तो मैंने मेरे ये ए ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके गया हूँ ठीक है। जो मैंने एलसीएम लिया ना वो एलसीएम नहीं ले रहा हूँ अब मैं वापस से, वो अपना एक सेकंड जो है अपना अपना अपने अपने को दे रहा हूँ फिर से, तो ये हो रहा है मेरा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई करेक्ट। नहीं यार तो भी उससे तो आ नहीं रहा मेरा एक्स क्यूब का एक एक्स इधर उधर कहाँ से लाऊंगा मैं,
जो यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट कुछ दिख रहा है क्या जो अपन ने यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन लोग? देखो अपना ये तो आ रहा है, इसका होल स्क्वायर कहाँ से उठा के लाना पड़ेगा अभी। कुछ एक्स स्क्वायर वो भी नहीं दिख रहा है जो, अगर पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ कि एलएचएस को मेरे को सेम लाना है, तो एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स क्यूब। नहीं नहीं बेटा उससे मैं वही बोल रहा तेरे को, उससे गलती नहीं हो रही है अपनी। चलो एक काम करो, अपना ये एक आंसर आ गया एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया है। अब मैं आर एच एस को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरा आर एच एस है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं एक्चुअली में सुधीर इस पर इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, तेरे को क्या पता एग्जाम में ट्रांसपोज करना है नहीं करना है, तो मेरे से अगर आके अटक गया तो वो क्या क्या कर सकता है मैं वो दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में। देखो अब देखो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स मतलब मेरा ये था बी ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार इसको मैं खोल रहा हूँ, तो अभी भी देखे अच्छा फील आया नहीं है कुछ भी इसमें। तो बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, ये और ये कट रहा है, बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसको कैसे वो बी एक्स ओवर एक्स जो एक बार क्वेश्चन वापस से कर रहा है अपन लोग, एक बार आयुष में क्वेश्चन लिख रहा। ट्रांसपोज करना इज नॉट अ गलती, वो ठीक है, बट एक समझ अपन उसके बिना भी क्यों नहीं कर पा रहे। एक बार आयुष को क्वेश्चन पर लिख लेता प्लीज ना। और मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ कि तेरे को एग्जाम में नहीं दिखा अगर और मेरे से अटक गया तो तेरे को सोल्यूशन लाना आना चाहिए बेटा। बोले बार आयुषी एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लॉग अगर लिया मैंने तो लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। तेरा यही बोलना है तब से कि अब इसको एक्स को वहाँ पे मत भेजो और फिर डेरिवेटिव निकालो। तो देखो अब एक बार का, चलो एक बार वैसे उससे निकाल तो लेते हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी। अब ये एलसीएम है ना, ये तो बस वहाँ पे, हाँ ठीक है। तो देखो ये हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम देखो ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स मतलब बी ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, ये और ये कट गया अपना। तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, यही उनका भी वही आ रहा है। हाँ अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वन माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स बी माइनस बी एक्स टाइम्स ए ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कट गया। एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स
ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया। अब रुक जाओ, हाँ ये एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ये एक्स क्यूब, ये एक्स बी का होल स्क्वायर हो रहा था, तो बेसिकली वो इसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं एक्स बी ओवर ए एक्स प्लस बी का एक्स क्यूब, सॉरी हाँ ठीक है। अब ये एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस बी कहीं पर ढूंढो होगा, ये रहा ठीक है, एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू है हमारी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, वो चीज़ इसके बराबर आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी। अब मुझे सिर्फ ना यही एक कंसर्न है कि अपन ने अगर ट्रांसपोज किया तो क्या इशू हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा। यस आई एम नॉट सेइंग ये कहते गलत है, ये सिंपलेस्ट होगा मे बी, बट यार जैसे मुझे क्लिक नहीं हुआ, मैंने ट्रांसपोज कर दिया था खुद को आसान बनाने के लिए, तो मेरे को एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना रहेगा, मैं उसके इस पर अटकाऊँ। एक काम कर आयुषी, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, एग्जाम्पल 12 करके मुझे एक बार मैसेज कर दे, मैं वो वाले तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, एक बार कल कोशिश करते हैं ठीक है। ये ख़त्म ही कर लेते यार, ठीक है ना। 13th इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, फाइन एक बार देख लो 13th रादर इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, उसे स्टार मार्क कर लो आप लोग। क्या ये क्वेश्चन बेटा, वन प्लस इसका स्क्वायर ना, थ्री बाई टू ठीक है, वो एक्चुअली मुझे पता है वो बहुत गंदा सा लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो पहले देखो, अगर आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पे ना तो मुझे x चाहिए, ना a चाहिए, ना y चाहिए, ना b चाहिए, ये मुझे दिखाना है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b ठीक है। तो देखो पहले तो मैंने एक डेरिवेटिव निकाला, तो टू टाइम्स एक्स माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, अभी के लिए डी वाई ओवर डी एक्स ही लिख रहा हूँ उसको मैं, प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी 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 टू वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा था मेरा, टू कॉमन निकल के वो भी कट जाएगा ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से एक्स माइनस ए की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल सकता हूँ, जैसे मेरा पूरा का पूरा x माइनस ए से इंडिपेंडेंट हो जाए वो ठीक है। देखो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू हो रही है माइनस ऑफ y माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स, उसको यहाँ डाला मैंने तो स्क्वायर हो गया वो, यानी x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ के लिए, तो वो चीज़ क्या हो रही है बच्चा को देखो, वो माइनस तो हट गया, y माइनस बी का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा था, पूरे में से मैं y माइनस बी का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ मैं ठीक है, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने अब एक और बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ बच्चा लोग ठीक है ना, अभी देखो हाँ बाप रे, y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ठीक है ना, प्लस वन का डेरिवेटिव तो वही है प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वन इंटू टू वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब पूरे में से डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन निकल रहा है और वाई माइनस बी भी कॉमन निकल रहा है ठीक है, और टू भी कॉमन निकल रहा है, पहले तो टू काट दिया पूरे कॉमन निकाल के वो जीरो था, इसलिए एक y माइनस बी कॉमन निकल के काट दिया और एक dy वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकल के काट दिया मैंने ठीक है। तो y माइनस बी टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन इसी इक्वल टू जीरो हो रहा था मेरा, मेरा y माइनस बी की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी माइनस वन माइनस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वन माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर
ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मेरे को वाई माइनस बी की वैल्यू भी मिल गई है। अब वाई माइनस बी की वैल्यू अगर मैं एक सेकंड एक सेकंड, अब देखो ये y माइनस बी की वैल्यू मेरे को पहले यहाँ पर डालना है, जिससे मेरे को x माइनस ए की वैल्यू मिल जाए जहाँ पे y माइनस बी भी ना हो, x भी ना हो y भी ना हो, और y माइनस बी की वैल्यू फिर यहाँ पे भी डालूंगा और यहाँ पे भी डालूंगा। तो एक बार देखो बेटा प्लीज़, अब देखो मेरा x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये y माइनस बी था इसका माइनस कॉमन निकल के हो जाएगा तो ये प्लस ही बन गया है, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर द होल इन टू ये माइनस वाई माइनस बी की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये मेरे को पता थोड़ा अजीब है। अब तुम लोग जब ये एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए की वैल्यू और ये वाई माइनस बी की वैल्यू ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना शुरू करोगे इक्वेशन में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन, चलो एक काम कर लेगा खत्म इसको क्वेश्चन को, ये समझ में आ रहा है तो खत्म करता हूँ, ये तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको शुरू करूँगा, नेक्स्ट यहाँ पर शुरू करना है। ठीक है गाइस, कल का सेशन थोड़ा लंबा खींचेगा बट अपन लोग, ठीक है ना। एंड आप लोगों का सजेशन ये रहेगा ये वाले क्वेश्चन कर लेना है एक बार, नहीं तो तुम लोगों को ये खत्म होने का ना AOD अपन स्टार्ट हो जाएगा। AOD का फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी वैसे है बट उसके अंदर अपन हर एक क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, अपन उसमें के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे, बच्चे तुम लोग कर पाओगे। उसका सेकंड जो टेंजेंट नॉर्मल वगैरह वाला, पहले इसमें तुम लोगों को ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ, ये बताओ वो बताओ, वैसा वाला है सेकंड वाला नॉर्मल टेंजेंट वाला है। कल कोशिश करके दोनों कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।